प्लीज हमें जाने दो, इस वक्त हमारा अकेले रहना जरूरी है। पहले तो आपको साड़ी की तारीफ किया जाए, आप लोग कलर बहुत अच्छा मैचिंग मैचिंग है दोनों को, क्या बोलना चाहते हैं। देखिए जी, जाए तो मंदिर में आए हो, क्या चल रहा है मंदिर में आप दोनों का केमिस्ट्री? नारी से पहले स्टार्ट किया जाए, लेडीज। फिलहाल तो ये है कि मैं देखने आई हूँ कि काना को मैंने सुन लिया था कि काना भैया खाली मंदिर में आ रहे हैं, तो कि सभी से कुछ रिलेटेड होगा, तो वही ढूंढने आए हूँ। लेकिन नकुल भी आ गया है मेरे साथ, तो वही टेंशन चल रही है कि नकुल भी देखना ले सेवरी या साची जो भी है उसकी हम शक्ल को। और फाइनली मैं ऊपर जाऊंगी और आज मैं साची से मिलूंगी। क्या बात है, आप बताइए। सो बेसिकली हमें तो, मुझे और काना ने, विक्रांत ने हमें यहाँ इन्वाइट किया है, और मैं रश्मि और उनके हस्बैंड इनको देखिए एकदम शॉक, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि ये बात रश्मि को पता नहीं चले, और मैंने और काना ने काइंड ऑफ सीक्रेट रखा था, और सो आई एम काइंड ऑफ शॉक एट द सेम टाइम। काना के लिए देयर इज टू मच ऑफ पेन, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि उसका दिल टूटे और साची वाकई में शादी कर ले, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि आगे के सीक्वेंस में कि फाइनली नहीं करती। ऑन स्क्रीन तो आपका बॉन्डिंग लोग देख ही रहे, आप स्क्रीन आप दोनों का बॉन्डिंग कैसा है? बहुत अच्छा है, सब अच्छे हैं यहाँ पर, बहुत मजा करते हैं। हाँ, और इन्होंने अभी शो ज्वाइन किया है, बट यू नो शी इज ऑलवेज बीन वेरी फ्रेंडली विद ऑल द एक्टर्स, तो सबका बॉन्ड बहुत अच्छा ही है। करेक्टर क्या करूं मैं ऐसी नहीं, नहीं, करेक्टर तो बहुत अच्छा है शुरू से जो आपका है राशि का। तो देखा जाए, हम अभी जो ट्विस्ट और टर्न जो चल रहा है, तो उसमें क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? क्या होने वाला है तो आप देखिए शो, आपको पता चल जाएगा। हम तो पूरी मेहनत कर रहे हैं आपको एंटरटेन करें, और आज साची से मिलूंगी मैं, लेकिन देखते हैं कि मैं बिलीव करती हूँ कि नहीं वो सहयोगी है या उसकी कोई हमशक्ल। एक्साइटमेंट हो या क्या, दुखी हो क्या मिलने के लिए? एक्साइटमेंट हो या दुखी हो मिलने के लिए, क्या है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, डरी हुई हूँ, एक्साइटेड से ज़्यादा डरी हुई हूँ, क्योंकि ये खौफ है कि अगर मैं वो सहयोगी ही है तो फिर रश्मि की हालत डेफिनेटली ख़राब हो जाएगी। लेकिन मुझे सच जानना है कि उसकी हमशक्ल है या दीदी वापस आ चुकी है। आपका उनका तो टीम लोगों को पता चलेगी, आप दोनों कैसे प्यार है, कैसे तरह आप लोगों दोनों चलता है, हम रियल लाइफ में जानते हैं। अब एक्टर नहीं होता क्या बनना चाहते आप? एक्टर नहीं होता समथिंग इन म्यूजिक आई थिंक, क्योंकि मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, तो समथिंग रिलेटेड टू दैट म्यूजिक में कुछ करना चाहता हूं। और एंड यू? मैं प्रोड्यूसर जो मैं बन के रहूंगी। क्या बात है, बधाई बधाई, याद रखना काम देना। एक आप एक किस्सा शेयर कर रहे थे बचपन का शूट के लिए, थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं बचपन का किस्सा शेयर कर रहे हैं? बहुत छोटी थी, आई थिंक मैं 6th या 7th स्टैंडर्ड में थी, मुझे परफेक्ट याद भी नहीं कौन सा साल था वो, और मैं फिल्म सिटी में आई थी। जो मुझे अभी अभी जस्ट याद आया कि एक ऐसा दौर था कि मैं फिल्म सिटी देखने आई थी कि शूटिंग कैसे होते हैं, और मैं मम्मी हम कजिन सब देख रहे थे और शूट चल रहा था, मुझे अंदर जाना था कि शूट कैसे होता है, मुझे एक्टर्स से मिलना था, देखना था, लेकिन वो लोग अलाउ नहीं कर रहे थे कि हम ऐसे अंदर नहीं जाने देते। सो बस ऐसे याद आ गया था कि वो एक टाइम था जब मैं फिल्म सिटी घूमने आई थी, शूट देखने आई थी और मुझे देखने नहीं दिया था, और आज लोग आ रहे हैं देखने के लिए। वक्त वक्त की बात है, आज खुद आप स्टार बन गए, आपको देखने आ रहे हैं, तो भी ऊपर वाले का आशीर्वाद ही, माँ बाप का आशीर्वाद ही है जो वहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, जाते जाते अपने ऑडियंस के उतार बना के क्या बोलना चाहते हैं? बस यही बोलेंगे कि आपका प्यार इसी तरह से बेकरार रखिए, हमारे साथ में बना के रखिए, और जिस तरह से आप प्यार देते आए हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, और शो देखते रहिए, हमारी टीआरपी बढ़ाते रहिए। थैंक यू, बिल्कुल बढ़ेंगे सर। जाते जाते आपका पूरा नाम, और टीवी से बॉलीवुड तक, टीवी से बॉलीवुड तक। हेलो, दिस इज कृष्ण पालिया एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन टीवी से बॉलीवुड तक।